तो आज हम लोग घूमने वाले हैं लफरी, जो कि छत्तीसगढ़ में है। और ये मटन कटवा रहे हैं ले जाने के लिए। 1 किलो 750 ग्राम मटन लिए हैं हम लोग, लेकर निकल चुके हैं ये रास्ते में। टोटल हम लोग 6 लोग हैं, 3 बाइक पे। दीपक और अवनीश आगे आगे चल रहा है। ये देखिए, अवनीश हाय किया। ये है निखिल और गोपाल स्कूटी से। निखिल हमारे आज के मेन कार्य करता है। यहाँ पे थोड़ा रास्ते का कंफ्यूजन था, इसीलिए रुक कर ये गोपाल मैप निकाल रहा है। दीपक आगे बढ़ चुका है, फिर रास्ता डिसाइड होने के बाद फिर से हम लोग निकल चुके हैं। ये है रेहंद नदी, यहाँ पे हम लोग अभी रुकेंगे थोड़ी देर, फोटो खिंचाएंगे। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। 4 लोग रुक चुके हैं। अभी निखिल रेडी हो गया है फोटो खिंचाने के लिए। इधर चौरसिया भी रेडी हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ी देर रुकने के बाद यहाँ से चलने के लिए तैयार हो गए हैं सारे लोग। बहुत ही मजा आ रहा है, जब रास्ता इतना सुंदर है तो मंजिल कितना सुंदर होगा। यहाँ पे दिखा एक पोस्टर, यहाँ से लेफ्ट मुड़ना है। पहुँच चुके हैं हम लोग लफरी में। बाइक को नीचे उतार रहा है चौरसिया, उसके बाद उतार रहा है दीपक। ये बहुत ही ऊंचा नीचा रास्ता है। ये है निखिल, इसको थोड़ा तकलीफ हो रहा है स्कूटी उतारने में। और ये गिर चुका है, जा रहा हूँ उसको बचाने। सारे लोग पहुँच चुके हैं लफरी। निखिल जा रहा है कुकर धोने, साथ में चौरसिया भी चलेगा, मैं भी चलूँगा। ये देखिए ये लोग हैं चौरसिया और निखिल। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। ये देखिए चौरसिया धो रहा है मटन। बढ़िया से मटन धोने के बाद हम लोग आ गए हैं यहाँ पे वापिस। सबसे पहले चिकन बनेगा दीपक के निगरानी में। दीपक के लिए चिकन बन रहा है, ये हम लोगों के लिए है मटन। कुकर में मटन बनाएंगे हम लोग, बहुत ही ज़बरदस्त बनाएंगे। वो खुद से बना रहा है उसको। इस तरह से पानी का स्टोर किया हूँ हम लोग। अभी हम लोग जा रहे हैं नहाने। जाने के क्रम में बहुत ही खूबसूरत नज़ारा को देखकर मैं थोड़ा रील्स बनाने लग गया हूँ। बहुत ही अच्छा नज़ारा है यहाँ पे। हम लोग थोड़ी देर नहाएंगे। बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत ही ठंडा पानी है। थोड़ी देर नहाने के बाद हम लोग चले आए हैं वापिस। ये पानी भरा जा रहा है, इसके बाद हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। ये चले वापिस, वापिस जा रहे हैं हम लोग खाना खाने पानी लेकर। खाना खाने के लिए बैठ गए हैं सारे लोग। ये है हमारा मटन, बहुत ही स्वादिष्ट बना है। पहाड़ों पे बना खाना का आनंद ही कुछ और है। खाना कंप्लीट करने के बाद सारे लोग आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन मैं चला रील्स बनाने। ऐसा नज़ारा मैंने कभी नहीं देखा था पहले, इतना सुंदर नज़ारा। डूबता हुआ सूरज, बहता हुआ पानी, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। थोड़ी देर मैं रील्स बनाया हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं भी वापस चल दिया। अब हम लोग वापस लौट रहे हैं। शाम के 5 बज चुके हैं। ये हूँ मैं, चौरसिया है ये। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। ये है निखिल, निखिल और अवनीश स्कूटी पे बैठे हैं। थोड़ी देर रेहंद नदी पे रुकने के बाद अभी हम लोग चलेंगे वापिस। अभी होने वाला है अंधेरा, इसीलिए मैं अपने ब्लॉग को कर रहा हूँ समाप्त। मिलूँगा अगले ब्लॉग में। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।